मिक्स वेज तो हम सब ने बहुत खाई है, बट आज की ये रेसिपी मैं बनाऊंगी बिल्कुल नए तरीके से। मैं इसे बनाती हूँ स्पेशल ओकेजन्स या फेस्टिवल पे या अपने स्पेशल मेहमानों के लिए। इस रेसिपी को मैंने डिवाइड किया है 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप है स्पेशल मसाला प्रिपेयर करना। तो यहाँ अनियंस को हम शैलो फ्राई करेंगे ताकि इसमें अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आए। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये जो मसाला हम बना रहे हैं ये इस रेसिपी में 4 चांद लगा देगा। आप देखें अनियंस अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब आप इनको निकालें और जो एक्सेस ऑयल है आप उसको अच्छे से ड्रेन कर लें। अब यहाँ मैंने एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल दिया है और इसी ऑयल में अब मैं डालूँगी टमाटर और उसी के साथ थोड़ा सा सॉल्ट। अब हम इसे पकाएंगे ताकि जो हमारे टमेटोज हैं वो अच्छे सॉफ्ट हो जाएं। टमेटोज मैंने 3-4 मिनट पका लिए हैं। अब आप डालें हरी मिर्च और काजू और इसको भी अब हम कुक करेंगे 4 से 5 मिनट तक। काजू इसमें बहुत ही अच्छा थिक रिच और क्रीमी टेक्सचर ऐड करेगा। तो अब 4 मिनट पकाने के बाद आप देखें इसका टेक्सचर अब बहुत सॉफ्ट और मशी हो गया है। इसको अब हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। अब यहाँ एक मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे अनियंस, उसी के साथ हमारा टमेटो का मिक्सचर। अब आप डालें थोड़ा सा पानी, बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ इतना ताकि हमारा अच्छा जो टेक्सचर है वो स्मूथ बनके तैयार हो। तो आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। हमारा सेकेंड स्टेप है वेजिटेबल्स को प्रिपेयर करना। तो पानी गरम करने के बाद यहाँ मैं इसमें डालूंगी गोभी और गाजर। हम इसे 4 से 5 मिनट तक ब्लांच करेंगे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गोभी और गाजर पकने में टाइम लेता है, बाकी की वेजिटेबल्स को हम उसी तरह से यूज़ करेंगे। तो आप देखें 5 मिनट बाद ये अब अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। ये कम से कम 60% तक अब कुक्ड हैं। तो आप सारे पानी को स्ट्रेन आउट करें। अब ये जो ऑयल मैंने अनियन पकाने के लिए लिया था वही मैं यहाँ ले रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी बीन्स और उसी के साथ मटर। इसको मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। हमें वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना क्योंकि हम उसे ग्रेवी में भी कुक करेंगे। तो आप देखें मैंने इसे 2 मिनट पका लिया है। अब आप इसमें डालें हमारी ब्लांच की हुई गोभी और गाजर और इसको भी हम सौते करेंगे 2 मिनट तक। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि गोभी और गाजर में बॉइल्ड जो टेस्ट आता है वो नहीं रहे। बहुत लोग इस रेसिपी के लिए इन वेजिटेबल्स को फ्राई भी करते हैं, बट हम इस तरह से सौते करके यूज़ करेंगे। तो ये अब बिल्कुल हमारी परफेक्ट हैं। इसको अब हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब फाइनल और 3rd स्टेप है हमारा ग्रेवी बनाना। तो एक पैन में आप डालें थोड़ा सा ऑयल, उसी के साथ तेज पत्ता, स्टार अनीस, हरी इलायची, दालचीनी, लौंग और इन सबको अब हम कुछ सेकंड्स के लिए भुनेंगे। आप खड़े मसाले ज़रूर डालें, ये बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको भी हम 1 मिनट तक भुनेंगे। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक को फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और उसी के साथ जीरा पाउडर। मसाले डालते वक्त आप ध्यान रखें, या तो आप गैस को स्विच ऑफ कर दें या फिर बहुत ही लो फ्लेम पे रखें, बिकॉज हम नहीं चाहते मसाले हमारे जलें। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसको मैं कुछ सेकेंड्स के लिए भुनूंगी। पानी यहाँ मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल के अब इन स्पाइसेस को 1 मिनट तक जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ भुनूंगी। आप देखें बहुत अच्छा कलर आया है और ऑयल भी रिलीज कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी जो हमने अनियन और टमेटो की पेस्ट तैयार की थी और इसको अब हमें डालने के बाद 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भुनना है मीडियम हीट पे। आप कभी भी इसे हाई हीट पे नहीं कुक करें क्योंकि हमने इसमें काजू डाला है, वो नीचे चिपक सकता है। तो इसको ढक के अब हम पकाएंगे। आप देखें 5 मिनट तक मैंने इसे कुक किया है, बीच बीच में स्टर भी किया है। मसाला हमारा अच्छे से इस पॉइंट पे पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी वेजिटेबल्स
और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी के साथ अब आप डालें पानी। तो ये जो सब्ज़ी बनती है हमारी वो थोड़ी ग्रेवी वाली होती है, इसलिए आप इसमें पानी ज़रूर डालें। इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें और इसको अब हम सिमर होने देंगे 5 से 6 मिनट तक, ताकि जो मसाले हैं, जो ग्रेवी है, वो वेजिटेबल्स में अच्छे से चली जाए। आप देखिए मैंने इसे 5 मिनट तक पका लिया है। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही रिच और क्रीमी है। अब हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, गरम मसाला, कसूरी मेथी, नमक। आप ध्यान रखें नमक हमने पहले भी डाला था तो आप ज़्यादा नहीं डालें। उसी के साथ बटर, बटर ज़रूर डालें, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। लास्ट में मैं इसमें डालूंगी फ्रेश क्रीम, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट के लिए। तो ये आज हमने बनाई है वेजिटेबल दीवानी हांडी। ये बहुत ही डिलीशियस बनती है, बिल्कुल परफेक्ट है आपके फेस्टिवल्स के लिए। मैंने इसको 2 से 3 मिनट और पकाया है, इसमें अच्छे बॉयल्स आने लगे हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको पनीर बटर मसाला भी बहुत पसंद आएगी, आप उसको भी ज़रूर चेक करें।